नए बने शाहबाद रेंज के डीआईजी उपेंद्रनाथ शर्मा आज बक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक किया, जिसमें लंबित पड़े सभी मामलों की जानकारी ली, साथ ही लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि डीआईजी उपेंद्रनाथ शर्मा ज्वाइन करने के बाद पहली बार बक्सर पहुंचे थे। वह बक्सर में पूर्व में एसपी रह चुके हैं, जहां वह जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले के बारे में जानकारी ली और इसके बाद लंबित पड़े सभी मामलों की जानकारी लेने के साथ ही उन्हें जल्द निपटाने का निर्देश दिया। डीआईजी ने शराब के मामलों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को एक सप्ताह के अंदर निपटारा करने का आदेश दिया। अगर जो भी मामले का निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय मानी जाएगी। उन्होंने शराब कारोबारियों और शराबियों पर नकेल कसने का आदेश दिया, साथ ही पूरे जिले में शराब को लेकर सर्च अभियान प्रतिदिन चलाते रहें। किसी हाल में शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना है, इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े उठाइए। इसके लिए सभी जवानों की अहम भूमिका होगी, सभी लोग संकल्प लेकर इस अभियान में जुट जाएं, साथ ही सभी अपराधियों पर लगातार निगाहें बनाए रखें, वहीं पब्लिक के साथ अच्छा संबंध रखें और उनके साथ व्यवहार अच्छा करें, इलाके में लगातार अभियान चलाते रहें। डीआईजी उपेंद्रनाथ शर्मा ने बताया कि रूटीन चेकिंग किया गया है। बता दें, वर्ष 2016 से 2018 तक बक्सर में उपेंद्रनाथ शर्मा एसपी रह चुके हैं और एसपी नीरज कुमार सिंह इस मौके पर मौजूद रहे। एसडीपीओ गोरखराम डुमराव, एसडीपीओ श्रीराज समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सिटी न्यूज से खास रिपोर्ट बक्सर से। आज मैं बेसिकली आया था, एक फॉर्मल मीटिंग थी एसपी बक्सर के साथ और यहाँ एसडीपीओ डुमराव और एसडीपीओ बक्सर भी आए हुए हैं, उनको मैंने बुलाया था और कुछ हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है और मेरा काम बेसिकली उद्देश्य है मेरा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस को असिस्ट करना और उनके जो चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं उस पर जहाँ पर भी सहूलियत प्रदान करना हो उसके लिए रास्ता इख्तियार कराना या उसके लिए मदद पुलिस के टोरिज्म मुहैया कराना। अपराध बेसिकली एक प्रायोरिटी है, वो राज्य सरकार की भी प्रायोरिटी है, तो हम लोग की प्रायोरिटी डाउन द लाइन होगी ही होगी और उसके साथ साथ शराबबंदी भी अभी जुड़ चुका है, जिसके के लिए आप लोग देखे होंगे पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री की जो रैली चल रही है, यात्रा चल रही है, उसके दौरान समीक्षा भी हुई थी, तो वो एक टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में है ही। चूँकि बक्सर एक बॉर्डरिंग जिला है और पूर्व में भी मेरा कार्यकाल यहाँ रह चुका है, तो यहाँ के अपराध से और यहाँ के ज्योग्राफी से मुझे इत्तेफाक है और इसको मैं जानता हूँ और पुलिस का मैंने यहाँ समीक्षा भी किया आज, क्या परफॉर्मेंस इन लोगों का रहा है पिछले साल में और संतोषजनक है। आगे वाले आने वाले दिनों में हम लोग चैलेंजेस जैसे आते हैं उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेटजाइज करके कार्य करेंगे। उस वाले ने भी बोला पीछे के तक, वो आज वो वाला किसके आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इन्हें वाला बक्सर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए अपना बक्सर का चैनल सिटी न्यूज़ बक्सर, आपको रखे आगे।